हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आईपीओ जो भी आया बंपर लिस्टिंग गेन दिया, टाटा टेक का सारा सवाल सारा जवाब मैंने दे दिया है। बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, वीडियो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, जाके देख लीजिएगा। अब अगला सवाल था ईडा के बारे में, क्योंकि बंपर लिस्टिंग गेन हुआ उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, तो सवाल एक ही, बाय करें, सेल करें या होल्ड करें। तो आज की वीडियो में सब जानेंगे। तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ स्टॉक मार्केट की सारी खबर और ऐसी एचएल वाली न्यूज़ भी आपको मिलती रहती है। और यूट्यूब मेंबरशिप वाले तो बहुत मज़े में होंगे, जब तेजस उड़ान भरी थी मोदी जी ने तो वहाँ पर हमने उनके साथ ये लर्निंग शेयर करी थी और वो बहुत ही खुश हैं और बहुत ही मोहब्बत में हैं। तो आप भी ऐसा ही यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करके लर्निंग ले सकते हो। लेकिन इसका डिसीजन बिना कंपनी से दोस्ती किए कभी कर ही नहीं सकते हैं। कभी भी किसी के कहे सुने में करना पाप है और नदी किनारे सांप है। तो चलिए पहले कंपनी को जान लेते हैं। बहुत मेहनत से कंटेंट लाते हैं, तो जल्दी से लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए, बहुत अच्छा लगता है और पता चलता है कि हमारी बात आपको समझ में आ रही है। यहां पर आप ये जान लीजिए कि ईडा जो है देश की सबसे बड़ी प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC है और इनके पास रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ का फायदा उठाने का शानदार मौका है, क्योंकि भारत सरकार ने नेट जीरो उत्सर्जन के टारगेट को पूरा करने के लिए 2030 तक आरई इंस्टॉलेशन के लिए एक बिग टारगेट तय किया है। चार सेक्टर में काम करती है, सोलर, हाइड्रो, बायोमास और बायोफ्यूल। अब चूंकि एक NBFC है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ प्रोत्साहन देना, उनके विकास में मदद करना सब करती है और 36 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये कंपनी कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट और इससे जुड़ी सर्विसेज भी उपलब्ध कराती है। इसमें प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनाने से लेकर कमीशन के बाद की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यानी जैसे IRFC रेलवे के प्रोजेक्ट में फाइनेंस करती है, वैसे ही रिन्यूएबल के सेक्टर में ये है। एक सबसे मजे की चीज़ है, सिर्फ सरकारी प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, जो मैं आगे बताऊंगा। यहां पर इनका डाइवर्सिफाइड लोन बुक है 47,514 करोड़ का सितंबर 2023 में और मार्केट शेयर 31% का, यानी जबरदस्त मार्केट शेयर है भैया रिन्यूएबल में, NBFC में। और फास्टेस्ट ग्रोथ है ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो का विद 30% CAGR फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2023 वर्सेस पीयर के मुकाबले। अब यहां पर 21 से 23 क्यों लिया हूं, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि यही कहानी आपको बताने में हेल्प करेगी कि शेयर आपके लिए कितना सही है या कितना खराब है, और वो सारी समरी हम लास्ट में आपके साथ बताने वाले हैं। तो 2030 तक 30 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री हो जाएगी और चूंकि इनका मार्केट शेयर 31% का है तो इनका बिजनेस 9 लाख करोड़ का तो होना ही चाहिए। और इतना बिजनेस मिल गया तो कंपनी कितना ग्रोथ करेगी, कमेंट में आप जल्दी से बता दीजिए कितना ग्रोथ करेगी, और आपके अनुसार जल्दी से बता दीजिए कि 60 रुपए का शेयर है तो कहां तक जा सकता है अगर ये सारी चीजें सही तरीके से एग्जीक्यूट होती हैं, तो कमेंट में जल्दी से बताइए। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हुआ है 58% CAGR ड्यूरिंग वही पीरियड सेम वाला। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इंडिया में, तो 23 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरीज में काम कर रहे हैं। लोन बुक इनका जो टॉप 5 स्टेट में लोन बुक है वो 60.72% का है, अगेन सितंबर 2023 का डेटा है। यहां पर जो मैंने कहा था प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का इनके पास जोरदार कॉम्बिनेशन है, तो प्राइवेट सेक्टर से 73% का बिजनेस है और पब्लिक सेक्टर से 27% का बिजनेस है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। यहां पर जो इनकी एसेट क्वालिटी है इनके पीयर से डेफिनेटली बेस्ट कंडीशन में है, और इनका जो ग्रॉस NPA है वो डिक्लाइन हो रहा है, जो आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, जो किसी भी NBFC किसी भी बैंक के लिए डिक्लाइनिंग NPA हमेशा अच्छा होता है। अब जैसा कि आपको पता है इनका प्राइस बैंड क्या था, 30 से 32 रुपए, और वहां पर अगर देखा जाए तो उसके बाद जो हाई लगाया 68.90 का, जो क्लोज हुआ वो 62.30 पर हुआ, करेक्ट है। अब यहां पर वैल्यूएशन देख लें तो वैल्यूएशन बाई जो पीयर्स अवेलेबल हैं वो 1.5 टाइम्स वैल्यू पे अवेलेबल हैं और ये 1.1 टाइम्स पर है, बट आफ्टर लिस्टिंग ऑलमोस्ट सेम पर आ गया है। इनके पीयर REC और PFC हैं, बट एप्पल टू एप्पल बेसिस पर कंपेयर करना कहीं से सही नहीं होगा, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन ROE ROA के बेस पर REC और PFC अच्छे हैं। बट जैसा कि बताया कि कंपनी का ग्रोथ रेट जैसा है उस हिसाब से कंपनी अच्छा ग्रोथ कर सकती है, वैल्यूएशन न महंगा न सस्ता। तो अभी तक तो अच्छा अच्छा पॉइंट सुन लिया,
लेकिन निगेटिव पॉइंट तो सुनना जरूरी है क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर इन्वेस्टमेंट के दो पहलू होते हैं। निगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी का पोर्टफोलियो पूरा रिन्यूएबल सेक्टर पर डिपेंडेंट है, यानी अगर ये सेक्टर कभी भी डाउन हुआ तो कंपनी की हालत खराब हो जाएगी। इसको आप ऐसा समझो, लास्ट 3 ईयर से रिन्यूएबल पे फोकस हुआ है तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर्स में जबरदस्त सुधरा है, उससे पहले जबरदस्त नहीं था, जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं। अब आप यहां पे देख लो 2021, 2022, 2023 का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट में कितना जबरदस्त उछाल है, लेकिन 2019 देखो सिर्फ 250 करोड़ का फिगर, मार्च 2020 में सिर्फ 215 करोड़ का फिगर, लेकिन उसके बाद जो जंप होता चला गया है जबरदस्त तरीके से। अभी सरकार की पॉलिसी क्या है, वो भी रिन्यूएबल पर फोकस है, तो कल की डेट में सरकार का ध्यान इस सेक्टर से हट गया तो नुकसान किसको होगा, इस NBFC को होगा। तो आपको स्टेटमेंट से भी समझ में आया कि हाँ, जब सरकार का ध्यान नहीं था तो कंपनी वहीं पर ही थी, जैसे ही सरकार का ध्यान आया तो स्टेटमेंट से आपको समझ में आया यस यस ग्रो हुआ। वहां पर जो 2030 तक का टारगेट है उसके हिसाब से 31% का जो मार्केट शेयर है उनका, उस हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से हर एक नजरिए से क्या हुआ, आज के डेट में कंपनी अच्छी दिख रही है, लेकिन कल के डेट में तो वो होता है एक नेगेटिव पहलू जिसमें कहा जाता है कि कभी भी एक शेयर में पैसा ना लगाओ। पोर्टफोलियो में हर सेक्टर के शेयर होने चाहिए, जिससे कभी कोई शेयर चले या खराब हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग इस बिना नॉलेज के कोई सस्ता शेयर देखते ना तो सारा पैसा एक जगह लगा देते, क्यों, क्योंकि लगता है करोड़पति बनाएगा, तो ट्रेंड एक के बाद दूसरी आती रहती है। तो कंपनी अच्छी है, ये हो गई यहां तक की कहानी। अब बात आती है बाय करें, सेल करें या होल्ड करें। बहुत सिंपल सी कहानी है, अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लिया होगा तो ऑलरेडी मैंने रात के 8:30 बजे की वीडियो में हमेशा बताया है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलना चाहिए और उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में लिस्टिंग गेन का मुनाफा लेकर निकल जाना चाहिए। जब वहां से गिरता है तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है और आप प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाते हैं। जहां तक एज पर वैल्यूएशन वाइज अगर नजरिया देखें तो कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बट वैल्यूएशन वाइज की हम अगर बात करते हैं तो जैसा कि 30 का था और इसका लो लगा 50 का, तो अब ये क्या हो गया, एक बेस प्राइस हो जाता है जिसको IPO ट्रेडिंग सेटअप में कहा जाता है कि एक हाई लगा और एक लो लगा ना, और उसके बीच जब प्राइस अटकता है तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज होता है IPO में, न्यूली लिस्टेड स्टॉक में। तो एज पर दैट 50 का लेवल क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। और लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट में चूंकि रिन्यूएबल इज डूइंग गुड, सरकार का फोकस इज गुड, तो इन सब के मद्देनजर एक सही कंपनी जान पड़ती है। बाकी आप अब खुद की स्टडी से बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए बस, और हम यूं ही वीडियो बनाते रहेंगे।